15th of August, 1947. The British Empire in India has come to an end. The last viceroy, Louis Mountbatten. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. Oh, I was waiting for you. Amara British Company is Bharat Desh ko swatantrata lauta sakta hai. Lekin main tumhare gaon ko swatantrata kabhi nahi dunga. I want every resource of this village. This is mine! And you? I always wanted to wear gold jewels. But you made me wear this bandage. You don't like me, right? You always want to fight me. Fight and fight, right? Take the sword and fight with me! Fight with me, you poor Indian bugger! Come on! Come on! के बारे में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है सर। क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, बट डोंट यू थिंक उस गांव में दिलचस्पी दिखाकर तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हो? ऐसा नहीं है सर। उस गांव की हिस्ट्री और मैंने इकट्ठा की हुई जानकारी दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, इसलिए वहां जाकर मैं रिसर्च करना चाहती हूं और हमारे चैनल के लिए एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूं। वहां कोई क्लू मिला तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनेगा, नहीं मिला तो एक नई जगह देखने को मिली है सोचकर वापस आ जाऊंगी। ये देखिए सर, उस गांव के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और जो हिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ी है और मैं उस गांव में क्यों जा रही हूँ, ये सब कुछ इस लेटर में लिखा है। लेटर किसके लिए? होम मिनिस्टर के लिए। होम मिनिस्टर को क्यों? कर्नाटक की बॉर्डर को लेकर उनसे ज्यादा कंसर्न और कोई इंसान नहीं है। ओके, गो अहेड। अगर कोई अच्छा प्रोग्राम बना तो हमारे ही चैनल की TRP बढ़ेगी। तुम जा सकती हो। हरीश, थैंक यू। आना कुटे चालीस फोटो खींच रही थी क्या? ले मेरा फोटो खींच। नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं TV9 चैनल में एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है हमारे स्टेट पर ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने का, जिसके लिए ऐतिहासिक जगहों की जानकारी चाहिए थी। तब मेरे हाथ कर्नाटक का गुमशुदा इतिहास नाम की किताब लगी। तब मुझे एक गांव के बारे में पता चला
उसका नाम है विक्रमातीर्थ। उस गांव की विशेषता ये है कि वहाँ के लोग गंधर्व जाति के हैं और सैकड़ों सालों से मैसूर के रहवासी हैं। सन 1764 में मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए उस गांव के रहवासी पलायन करके महाराष्ट्र की ओर चले गए, यानी आज का बेलगांव पहले कर्नाटक में था। वो लोग अपनी गंधर्व भाषा बोलने की बजाय मैसूर की कन्नड़ भाषा बोलते हैं और यही उन लोगों की विशेषता है। मैंने आपको ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि आप जान सके कि उस गांव के बारे में जानने के लिए जब मैंने कर्नाटक का मैप उठाया तो मैप में उस गांव का कहीं नामो निशान नहीं है। बात की गहराई तक जाने के लिए मैंने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंक्वायरी की। सभी का यही कहना था कि इस इलाके में इस नाम का गांव है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि एक पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतिहास की किताब में जो लिखा है क्या वो झूठ है। मेरी आपकी सरकार से विनती है कि आप उस गांव के बारे में छानबीन करें और मैं भी उस गांव का इतिहास क्या है ये जानने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू दिव्या। हरी सर, एक गांव का जिक्र हुआ है जो हमारे नक्शे में नहीं है। अब लेटर वाली रिपोर्टर को जरा यहाँ बुलवाना। ओके सर। ये बात सच है कि बॉर्डर की प्रॉब्लम फिर से खड़ी हुई है, लेकिन हमारी बातचीत जारी है। सर, आपके कहने के मुताबिक रिपोर्टर को बुलाने के लिए मैंने चैनल के ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वो 10 दिनों से ऑफिस में आई ही नहीं और मोबाइल भी उसका नॉट रीचेबल बता रहा है। वो शायद किसी गांव की तलाश में गई थी लेकिन अभी तक लौटी ही नहीं, इसलिए उसके माँ बाप ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है सर। अच्छा। मुझे लगता है वो लड़की जिस गांव में गई है उसके साथ वहां जरूर कोई हादसा हुआ है। आई सी। मैं सीएम से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। नॉट टू वरी। नमस्कार सीएम साहब। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हाँ थैंक यू। इतनी देर क्यों लगी? क्या करें, काम ही कुछ ज्यादा था। क्या भाई, मंत्री बनने के बाद काम ही क्या है। थू है तुम पर, जनता हमें इसलिए मंत्री बनाती है ताकि हम ढेर सारी दौलत कमाएं, फिर आने वाले चुनाव में पिछली बार से कुछ ज्यादा खर्च कर सकें। सॉरी सर, लोगों के प्यार, विश्वास और हमदर्दी के बदौलत मैं पिछले 8 साल से चुनाव जीतते आ रहा हूँ। आपकी ये कैलकुलेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है, तुम अगर समझ गए होते तो तुम्हें होम मिनिस्टर बनने में इतना समय थोड़ा ही लगता। ये सब बातें होती रहेंगी। मुझे आज आपसे खास बात करनी है। क्या मुसीबत है, पार्टी में ऐसी बातें? बोतल खोलो, कोना पकड़ो और एंजॉय करो ना यार। जो बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ उसे छोड़कर अगर आप बोतल खोलकर बैठे तो कुछ ही दिनों में आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। हाँ। सर, कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मुझे मिली थी, उसे मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। उसमें एक गाँव के बारे में जिक्र किया गया था लेकिन उसे लिखने वाली अचानक गायब हो गई है। जैसे ही मुझे बताया गया मैंने इस मामले को गंभीरता से लिया। मैं उन सारे डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कर चुका हूँ जो इस विषय से ताल्लुकात रखते हैं। वहाँ से मुझे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे गांव का कोई वजूद ही नहीं है। ओहो। अब सवाल ये है कि वो लड़की गई कहाँ? सर मामला गंभीर है, आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। सुनो मिस्टर होम, अगर तुम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हो तो यू कैन गो होम। किसी का एक बेकार लेटर पढ़कर तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो? खैर वो छोड़ो, उस गांव के बारे में किसी ने कोई आवाज उठाई है क्या? नहीं सर। विरोधी पक्ष वालों ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? बिल्कुल नहीं। मरने दो नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रेशर आया है तुम्हें? अभी तक तो नहीं। अच्छा, कोई न्यूज रिपोर्टर लापता हुई है ऐसा न्यूज चैनल वालों ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो रिपोर्टर लड़की किसके साथ भागी, कौन थी वो, किसे पता? जाने से पहले वो तुम्हारे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा गई। मान लो जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो आज तक वो उभर कर सामने क्यों नहीं आया? शायद हमारे जैसे बड़े लोगों का हाथ होगा, इसीलिए कह रहा हूँ ऐसी बातों में हमें टांग नहीं फंसानी है। सर आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ? कम से कम ऐसा कोई गांव है या नहीं ये तो जानने की कोशिश कीजिए। क्या यार, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में देशभक्ति का सबसे ज्यादा कीड़ा तुम में है। अपने विरोधी पक्ष के टॉर्चर से ज्यादा तुम्हारा टॉर्चर झेलना पड़ता है। पर करूं तो क्या करूं, चाहे जो भी हो सीनियर हो तुम मेरे, उगल भी नहीं सकता निगल भी नहीं सकता, क्या करूं। ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो, जाओ। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, इस नाम का कोई गांव कर्नाटक में है क्या सर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता लगाना तुम्हारा काम है। ओके सर, मैं उस गांव में एक स्पेशल टीम बनाकर भिजवाता हूँ। बिल्कुल नहीं,
अगर इस विषय के बारे में बाहर के लोगों को गलती से भी पता चला तो तुम जानते हो कि हमारे गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो सकती है। मेरे मन में एक छोटी सी शंका है, उस गांव के बारे में रिसर्च करने वाली लड़की उस गांव में घुसते ही लापता हो जाती है। ऐसा लगता है कि उस गांव में ही कोई रहस्य है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम किया जाए। ओके सर। तुम्हारी नजरों में अगर पुलिस में भर्ती होने के लिए कोई ऐसा लड़का है जो जांबाज, यंग और दिलेर हो तो हम उसे वहां भेज सकते हैं। सर वो गांव कहां है, कौन से राज्य में है कोई नहीं जानता, फिर किसी को कैसे अपॉइंट करें सर? देखो कोई ऐसा कैंडिडेट है या नहीं, फिर क्या करना है और कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। वैसे ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर में? You are rejected. तेरी रिटायरमेंट तक या तू मरने तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ, बट दोनों कानों में तेल डालकर अच्छी तरह से सुन ले, मैं पुलिस बनने के लिए तुझे एक रुपया भी रिश्वत नहीं दूंगा, चलता हूँ। फिर तो तू पुलिस वाला कभी नहीं बनेगा। टेररिस्ट लोगों को इन सिलेक्टर्स के घर पे बॉम्ब लगाना चाहिए, हराम की कमाई से अपने महल खड़े किए हैं इन्होंने, अब इतना डिसेंट दिखने का क्या फायदा। बहुत प्यास लगी है, पीने का पानी कहाँ मिलेगा? ये दिया किसने? तुम अब तक मुझसे 3852 वाटर बॉटल्स ले चुके हो। अरे दहेज में मैं तुमसे सिर्फ पानी ही तो ले रहा हूँ। क्या अब तुम्हें दहेज भी चाहिए? इतना सस्ता दहेज तो शायद ही किसी ने लिया होगा। हाँ हाँ बड़े आए। अगर तुमसे शादी हो गई तो संसार चलाते चलाते माथे पर कर्ज चढ़ेगा, उसे उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। मेरी अकेले की पुलिस की कमाई से कुछ नहीं होगा ना मेरी जाने मन। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, पहले पुलिस वाले बनो उसके बाद पुलिस की कमाई के बारे में बात करना। तो अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। जरूर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। जितने सिलेक्शन ऑफिसर्स है ना उन्हें एक बार मर जाने दो, रिश्वत रिश्वत करके मर जाएंगे। चलो वहाँ जगह खाली हुई है, बैठते हैं। सुनो अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, उन्हें कितनी रिश्वत चाहिए बता दो, मैं पापा से कहकर दिलवा देती हूँ, फिर तुम जल्दी से पुलिस वाले बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी अब मुझे लाइन मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो 30 साल के बाद शादी करता है उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या? देखा वो रिश्वत खाने वाले सिलेक्टर्स मुझे पुलिस ऑफिसर बनने से ही नहीं रोक रहे हैं बल्कि हमारी शादी भी रोक रहे हैं। एए, अरे इन सबके ऊपर तो होम मिनिस्टर है, क्यों ना उनसे कंप्लेंट करके उनके जरिए मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं? हाँ? ठीक है तुम ये आखिरी कोशिश भी करके देख लो। उसे प्रमोशन पहले ही मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। ए, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ए, मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर ये जोर से लगी है। अगर मैं यहाँ से हट गया तो पुलिस की नौकरी चली जाएगी, इसलिए पुलिस की नौकरी पाने के लिए अब तक रोक के रखी है। अरब में जैसे पेट्रोल पर कंट्रोल करते वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे मेरी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ेगी। हाँ होम मिनिस्टर सर आ गए हैं। सीएम साहब ने अचानक बुला लिया, इन सबसे कहो कल। ठीक है सर।
अभी मिनिस्टर साहब नहीं मिल पाए, वो कल आए। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम विक्रम है और पुलिस ऑफिसर बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सर, तो अगर इसमें आप मेरी सहायता कर दे देखो तो सर। भाई पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है, उसे छोड़कर तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। करेक्ट बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर भी ये फाइल आप। चलो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा। सर सुनिए तो सर 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 विक्रम सर 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 बाप रे, थोड़ी देर अगर और हो जाती है। ए, सुनती हो, जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे, हो गया काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे सोचा है? बैड लक, इतनी जोर से लगी थी मैं ठीक से उन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था याद है, तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? और अगर मिलके दिखा दूं तो? सर 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 चिल्लाइए मत सर, सर मैं चोर गुंडा नहीं हूँ। कौन हो तुम, मेरे कमरे में कैसे आए? सर मैं कोई टेररिस्ट या नक्सलाइट या भूत आत्मा ये सब कुछ नहीं हूँ सर। हा? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 2 दिन पहले के सुबह के फ्लैशबैक में जाइए, पुलिस वाला बनना मेरा लक्ष्य है और आपको मैंने फाइल दिखाई थी। उसके लिए मैं तो तुम्हें रास्ता बता चुका हूँ। हाँ आपने बताया था सर, मैं भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और ट्रेनिंग भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ सर। लेकिन क्यों सर? वो रिश्वत बीच में आ जाती है सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा ना वो तुरंत इंतजाम कर देगी और फटाफट पुलिस ऑफिसर भी बन जाऊंगा। लेकिन एक बार जो रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहता है। एक बार रिश्वत का कीड़ा लगता है तो छूटता है क्या सर? सर मेरे हिसाब से ये रिश्वत की बीमारी ना एड्स की बीमारी जैसी है, लग गई तो छूटती ही नहीं, सही है ना सर? मैं कुछ ज्यादा भूल गया सर, सबसे पहले तो मैंने आपके बेडरूम में एंट्री ली ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद मिडनाइट में आपकी नींद खराब करके आपको परेशान किया। सर मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे घूस खिलाकर बेल्ट खरीदकर पुलिस वाला बनकर अपना पेट नहीं पालना है सर, मैं तो पुलिस पावर क्या है ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जाबांज पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। सर प्लीज सर, भगवान के लिए सर, देखिए सर रनिंग में फर्स्ट, जंपिंग में भी फर्स्ट, देखिए फिजिकली सुपर्ब सर, हाइट भी ओके सर, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है सर, क्या करूं सर? आपके बंगले में फुल सिक्योरिटी लगने के बाद भी इस आधी रात को मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं तो सोचिए मैं कितना जिगर वाला हूं। सॉरी सर। ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर? यू आर सेलेक्टेड सर। ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया है? ए शेखर सर जरा देखो इसे, इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ए ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है पता है? बत्ती सी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद, इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं, वैसे मैं भी पुलिस वाला आप भी पुलिस वाले, सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हे तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओ क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड गर्बन पार्क 4 रास्ता सर्कल तक पहुँचा, येलो घंटी बजी। टेक द फोन सर। हेलो हेलो शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारे पास विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। सर ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। सर मैंने सुना नहीं क्या कहा आपने? हेलो अब सुनाई दे रहा है? उससे कुछ और काम है। सुनो उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके मेरे पास भिजवाओ। ओके ओके सर जल्दी भिजवाता हूँ सर, थैंक यू सर। ए सुना ना आया बड़ा पुलिस वाला बनके,
ये ले इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। गेट आउट। मेरी बात तो सुनो बेटा। सर मेरी माँ की कसम सर, आज सुबह सुबह 3 बजे थे, होम मिनिस्टर साहब ने यो सिलेक्टेड ऐसा कहा था। ओके ओके। लेकिन आपने, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। सर मेरी बात सुनो, पुलिस वाला बन रहा हूँ, इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा लिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है, बेचारा बहुत बूढ़ा है, फिर भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा, शर्ट बन गई लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कुछ किया लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया ये कहकर कि मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, देखो देखो तुम रो नहीं सकते हो, होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ, बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया सर, आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, जब से इसने ये सुना है ये फुट फुट के रो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। क्या सर, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। तुम पुलिस वाले बनने के लिए तैयार हो? थू मेरी किस्मत सर, आपकी जो गाड़ी है ना उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी है उसकी कसम खाता हूँ सर। देखो सर, हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारे जैसा ऑफिसर होगा ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी और एक अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम्हारी पहली ड्यूटी जहां लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमातीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहां तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी, गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टीए, डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूंगा। जहां तुम जा रहे हो वहां डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहां मौत से भी उलझना पड़े। अब बताओ क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सर मैं सच में पुलिस हूं ना? हाँ तुम पुलिस वाले हो। फिर तो बात ही खत्म, मैं पुलिस वाला हूं तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, नो प्रॉब्लम। देखो तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता चले, समझे? सर गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा। सर बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके सर, बट एक छोटा सा डाउट है। हाँ? होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं, आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने देश को बेच देने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं, यह उसी का परिणाम है कि हम इस मिशन पर हैं। जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ और एक बात, तुम इस काम में बिजी होकर कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूलना। नहीं सर, जरूर याद रखूंगा। सर लिए बगैर ही जा रहे हो क्या? सैल्यूट। ये लो जानो, प्रसाद खाओ और खाने के बाद मेरे लिए दुआ मांगना। ए, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आई, क्या हुआ? ये ईश्वर मुझसे खफा है, मेरा हाथ छोड़ दिया। ओ अच्छा, मैं तो अब तक सोचता था कि भगवान सिर्फ वर ही देते हैं, हाथ भी देते हैं। सुपर, वैसे तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था? अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मैं हमेशा इस भगवान के पास आती थी, कितने होम हवन पूजा न जाने क्या क्या कर चुकी हूँ। लेकिन इन्होंने मेरा हाथ फिर भी छोड़ दिया। ए पारो, भगवान ने सब कुछ बराबर कर दिया है, मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है, अब क्या चाहिए? दरअसल मैंने तो ये मन्नत मांगी थी कि पुलिस की नौकरी तुम्हें कभी मिल ही ना पाए। तेरी तुत, दुश्मन कहीं और नहीं, बगल में ही बिठा कर रखा था मैंने, मतलब तुम्हारी वजह से अब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल रही थी। जी करता है कि अभी खींच के दूं। ठीक है वही कर दो, अच्छा होगा। जानते हो तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे यही सोचकर डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों क्यों डर लग रहा है तुम्हें? हा? क्या हुआ? जहाँ जा रहे हो अगर वहाँ कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई तो तुम मुझे भूल जाओगे ना, इसलिए। ओ
ये बात है। सो तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम और डाउट ज्यादा है। अच्छा अभी तुमने कहा कि तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की अगर मिल जाए तो, लेकिन ये किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो? हाँ? आज के दिन हमारे कॉलेज के सभी विभागों के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और आज के मुख्य अतिथि के रूप में मिनिस्टर्स, आप सबके सामने मैं एक बात खुलकर कहना चाहता हूँ। बायोटेक स्टूडेंट फाइनल ईयर पार्वती, आई लव यू। अचानक कुछ याद आ गया क्या? वो दिन याद आ गया जब तुमने प्रपोज किया था। अरे वो तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हाथ को स्ट्रेट रखो। देखो पापा कराटे सिखा रहे हैं। हे, देखो भूल से भी पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पुलिस वाला बन चुका हूँ। पता नहीं क्यों वो पुलिस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चलो ये क्या विक्रम, तू इन्फॉर्म किए बिना ही माँ ये मेरी फ्रेंड है। ओ और मैं इसी से शादी करूंगा। पैर छू, पैर छू। सुनिए जी। ए तुमने गुड़िया को सांस लेते हुए देखा है? गुड़िया को सांस लेते हुए? हाँ चलो। ये है मेरी दादी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये ऐसी है। पता नहीं भगवान इन पर कब दया करेगा। दादी ये देखो माय वुड बी। चलो तुम अपना ख्याल रखना हा? और ऐसा काम करना जिससे तुम्हारा नाम हो। इतनी दूर जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। जाओगे। जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, क्या कहते हो? वो TA DA ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए खर्चे के लिए 2-3 हज़ार दे सकती हो क्या? लॉन्ग जर्नी है ना, स्वीट वीट खाते हुए तुम्हें याद करते हुए जाऊंगा। रास्ते में अगर जहर मिले ना तो वो भी खा लेना तुम। अरे सुनो तो, आई लव यू। आई हेट यू। टिकट सर? सर टिकट पे कोई डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो पत्थर फेंक कर मारा, अगर वो कांच पे लग जाता तो डबल चार्ज देना पड़ता। वो तेरी लवर है क्या? हाँ बॉस, आपको कैसे पता चला? उसने जिस हक से तेरे ऊपर पत्थर फेंका तभी मैं समझ गया कि वो तेरी लवर ही हो सकती है। एक्सपीरियंस है बेटा, इन लड़कियों का इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तेरा डिस्काउंट मांगना समझ सकता हूँ। अच्छा ऐसा क्या, ये मुझे नहीं पता था। मैंने आज तक गर्लफ्रेंड के पीछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, उल्टा उसी से हमेशा उधारी लेता रहता हूँ। उधारी? फिर तो तू बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है। वो सब ठीक है, जाना किधर है? विक्रम तीर्थ। ये बस बेलगाम तक ही जाती है, वहाँ उतर कर आगे तुम्हें पैदल ही जाना होगा। ओके ऐसा ही करूँगा। टिकट दो। टिकट टिकट, चुपचाप बैठ के सफर का मजा मत लो, टिकट खरीदो। लास्ट के कोने वाले बाबूजी टिकट ले लो। कर्नाटक स्टेट यहाँ पर खत्म हुआ। ओह होम मिनिस्टर जी ने कहा था बॉर्डर के अंदर है,
थू, मेरी किस्मत। सोचा यहाँ पे किसी से एड्रेस पूछूं, लेकिन यहाँ तो जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। थक गया यार, अब और चला नहीं जाता। लगता है वहां पर कोई काम कर रहा है, जाकर उनसे पूछ लिया जाए। वहां जाने से पहले ऑफिसर तो बन जाऊं। चिंगारी जी, आप मेरी पैंट कब रेडी करवाएंगे? जय चामुंडेश्वरी। चल भाई, ये बोझ भी उठा ले। महाराष्ट्र प्रारंभ। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, तो फिर कर्नाटक राज्य वहां खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? ए पागल हो गया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना, तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन जमाना हो गया उसे उजड़वे साहब। आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस, पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना, उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? आएगा रे। हाँ पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। जा, जाग गया उन्हें। हाँ, तुझा नहनाची टांग कुठून आलास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडी न्याला इथे, सरळ जाईल वरती देवाजवळ। एकदम गावटी पीस आहे रे, हे गाडू समजून सांग रे याला। क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा दे। जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। आमच्या समोर येण्याची हिम्मत, वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। Oh,
यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा। ए, इस बोर्ड को लेके आओ। मेरे सांगली क्षेत्र के प्यारे भाई और बहनों को आपके इस कुलकर्णी का नमस्कार। इस क्षेत्र के किसी भी इंसान के साथ मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ये मेरे पार्टी का कर्तव्य। अरे भाई को जाने दो, हटो। मेरे जाकर अपने भाई को देखने से पहले उसको मारने वाले की लाश हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए वरना तुम लोगों की लाश गिर जाएगी। किसने मारा मेरे भाई को? कोई पुलिस वाला था भाई। मेरे बाप के जमाने से ही वहाँ पुलिस स्टेशन को उजाड़ दिया गया है, फिर वहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? कौन हो तुम सब लोग? क्यों उन लोगों ने तुम सबको यहाँ गुलामों की तरह चैन से बांध के रखा है? उन लोगों का खौफ मन में रखे क्यों सड़कर मर रहे हो? यहाँ से ये मिट्टी जाती का है? क्या है, क्या है ये सब, बोलो। क्या बताएं साहब, ये सब आज से नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है। कहते हैं हम सब कर्नाटक के हैं और इस जगह पर हमारा कोई हक नहीं। उनका मानना है कि ये उन्हीं की जागीर है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब और आप यहाँ से चले जाओ। ये लोग अच्छे लोग नहीं साहब, आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब। आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब, ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका यार कोई ठीक नहीं साहब, चले जाओ। भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है, उठना। क्या हुआ है तुझे? सर, हाँ? सर वो कोमा में है सर। कोमा में है? इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाँ? हाथ से पंच मारा। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई भाई, ऐ, हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना, जाओ आराम से खेलो कूदो, तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गांव है, सिर्फ तुम लोगों का गांव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा,
ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार, ये हुई ना बात। अरे जीप है, उस कमीने का ऑफिस ऑफ पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है, अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है। अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? क्या वही है वो पुलिस वाला? भाई वही है वो, तो उसकी गाड़ी को ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो उसकी गाड़ी को, उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े चितड़े उड़ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब जिसने मेरे हाथ से मार खाया लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम? मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? ए, जाओ। अरे तू तू दो ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना। कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हो? मम्मी, मम्मी! कौन हो भाई तुम? खाना अच्छा था, बहुत मजा आया। कौन हो तुम? बिना किसी जान पहचान के मैं तुम्हारे घर में घुस आया और तुम्हारा खाना खाया। तुम्हें अजीब लग रहा है ना? ऐसे ही तुम्हारा लड़का हमारे एरिया में घुस आया है और होशियारी दिखाकर और फूट डालकर हमारे वोट खा रहा है। वो झोपड़े में रहने वाले को डिश एंटीना और जिन्हें ABCD भी नहीं आती उन्हें कंप्यूटर दे रहा है। जिसका पति मर गया है उसकी विधवा को सिलाई मशीन और अपाहिजों को व्हील चेयर।
वादों की तो उसने झड़ी लगा दी है एरिया में। अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है उसने पब्लिक सपोर्ट पाने का, लेकिन वो जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अगर उसने ये नौटंकी बंद नहीं की तो हाथ पैर तोड़कर उसी के व्हील चेयर पर बिठा देंगे। थैंक्स। सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों कहा। फर्स्ट टाइम किसी इंसान के मुंह से मेरे बेटे के बारे में अच्छा सुन रही हूँ। किसी पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर सोच रही थी गलत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इतने अच्छे काम भी कर रहा है, तुमने आकर बताया। तुम यहाँ आए, मुझे धमकी दी कि मैं उसे नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो व्हील चेयर की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो। hey! अपने बेटे को बता देना एड़ा एड़ा शंकर आया था यहाँ पर, उसने अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर मिले। ए, चल। युवा तू कहाँ है? क्या बात है येड़ा, सुनाया कि तू घर पे गया था और मेरे घर का खाना तुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मम्मी ने तेरे लिए अपने हाथों से डिनर बनाकर भेजा, वही लेके आया हूँ, दम बिरयानी। चल खा ले। मुझे नहीं खाना है, ले जा इसे। मैं खाना खाकर प्लेट में एक भी दाना छोड़ता हूँ तो मेरी माँ मुझ पर भड़कती है क्योंकि उसे पसंद नहीं, और तूने मेरी माँ का बनाया हुआ खाना मिट्टी में मिला दिया। ये बात उसे पता चले तो जानता है उसे कितना दुख होगा। उसकी खुशी के लिए अब तो तुझे खाना ही होगा। चल खा। ए, खाना याद आने की तकलीफ तूने क्यों नहीं रहे, अपनी बहन को भेज दिया होता। जब मैं बात करता हूं तो किसी और की जुबान नहीं चलनी चाहिए। हमारे बीच माँ बहनों को नहीं लाना चाहिए। अरे तू क्यों रुक गया? खाना? ए, बहुत शाना बनता रहा खजूर। तेरी तुम भेंग। फील्डिंग करने वाले ऐसे बीच में आकर टच नहीं करते। ये होती है हम गुंडों के बीच की कमिटमेंट। बिरयानी का मजा तब है जब वो गर्मा गर्म खाई जाए। खाना ही अड़ा। बिना टेंशन के खा येड़ा।
मैं खाता हूँ ना, खाता हूँ। अब भड़को मत, मैं खाता हूँ। पूरा खत्म करता हूँ भाई। ए, कोई जल्दी नहीं है, पंगा होता है और उससे निपटा भी जाता है। लेकिन दुश्मन कहाँ है ये तूने उसकी फैमिली से पूछा? तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, ध्यान से सुन। फ्रेंड्स ज्यादा रहेंगे तो वो केयरलेस रहते हैं, दुश्मन ज्यादा रहेंगे तो अलर्ट रहते हैं। जिसने तुझे भेजा है ना उसको जाके बोल, मुझे टच करने के बारे में सोचा तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली को टच करने का सोचा तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। सॉरी भाई। वोटर आईडी है क्या? वोटर आईडी है ना भाई। मिस किए बिना नूर अहमद को वोट डालने का? अपनी कसम भाई, पक्का डालूंगा। शुरुआत में पॉलिटिशियंस के पास वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए गया था ना, फिर नूर अहमद को जिताने के लिए इतना जुनून, आखिर क्यों? पावर। रॉन्ग रूट में जाने वाले को अगर पावर मिल जाए तो सब उसके कंट्रोल में रहता है। वो नूर अहमद कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो चुका था। अगर नूर अहमद जीतता है तो युवा उन्हें मैनिपुलेट करता और अपने आगे कोई ना टिक सके, ये थी उसकी सोच। रियली आपका लड़का बहुत शातिर है। सब लोग जोर से बोलो नूर अहमद भाई की। शुक्रिया, शुक्रिया। नूर अहमद भाई की कांग्रेचुलेशन। नूर अहमद भाई, सब तुम्हारी ही मेहनत है। लो। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह की रहमत है। Don't shoot! I'll shoot her! I'll shoot her! गोली मत चलाओ, वरना वो मारी जाएगी। He's unconscious. Hey, आखिर तुम हो कौन और इसे बेहोश कैसे किया? हाथ से मेरी हीरोइन पर कोई नजर डाला तो मैं उसे नहीं छोड़ता। इसने तो सीधे इस पर बंदूक तान दी। इसे पकड़ने के लिए हमारा डिपार्टमेंट कब से ट्राई कर रहा था, पर आज हाथ आया। सर, वी डिड इट सर। थैंक यू सर, गुड जॉब। ऑफिसर्स, इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। कम ऑन जी सर, क्विक, कम ऑन। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया,
छोटी सी बात को लेकर मीडिया वालों को यूज कर रहा है, झूठी पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को बुलाया है तो आपको भी कैसे यूज करेगा ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में है जो कोई नहीं समझ पाता। मीडिया का फर्ज है गलत कामों को उजागर करना, सेलिब्रिटी बनाना नहीं। भगवान के लिए मेरे बेटे को सेलिब्रिटी मत बनाओ, वो उस लायक नहीं है। What a wonderful speech, Mother India. सब कुछ बाहर निकाल दिया, अब ठंडक मिली ना, हैप्पी। उम्र बढ़ते बढ़ते लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारी तो शार्प होती जा रही है। अरे ओ रिपोर्टर, मैंने एक ड्रग माफिया क्रिमिनल को बहुत मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मेरा इंटरव्यू लेने की बजाय मेरे बारे में निगेटिव कहने वाली मेरी माँ का तुम इंटरव्यू ले रही हो। TRP बढ़ाने वाला एपिसोड मिल गया ना, ये कहाँ का इंसाफ है। चलो चलो बाहर चलकर एक स्पेशल सेट लगाकर मेरा स्पेशल इंटरव्यू लो। चलो सुनो प्रीतम, कैमरा को पैक करो। ओके मैम। ए बैठ जा। क्यों मैडम, मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी क्या? जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया है वो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, सिर्फ वॉइस तुम्हारी मम्मी की है। टेलीकास्ट कब है बता दूंगी, खुशी से देख लेना। पैकअप करो प्रीतम। माँ जी हम लोग चलते हैं। थैंक्स। जाओ जाओ, कर्नाटक में न्यूज चैनल्स की कमी है क्या? तुम नहीं तो कोई और से जाओ। क्यों है ना मम्मी? अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहो, किसी भी सूरत में उसके हाथ में मोबाइल नहीं लगना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। मैंने पहले ही कहा था बहुत जोरों से बारिश होगी, पूरा शहर डूब जाएगा। देखो अब सुना है? तूने चैनल क्यों चेंज किया? जब सुनामी आएगी तो कौन सी पूजा करनी चाहिए ये गुरुजी बता रहे थे ना, और तूने चैनल चेंज कर दिया। दादी हम लोग यहाँ बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है। चल मारो दादी। रास्ते से भटका हुआ बेटा, ये प्रोग्राम आज शाम को जरूर देखिए हमारे चैनल। लो दादी आपका चैनल लगा दिया, आराम से देखो। दूध चढ़ाओ तब जाकर आप। बोलो जानू। आज शाम को तुम्हारा टीवी पर प्रोग्राम आने वाला है, और मैंने प्रॉमिस किया है कि ये प्रोग्राम मैं अपने सारे घर वालों को दिखाऊंगी। जब टीवी ऑन किया तो तुम्हारे नेगेटिव इमेज के एपिसोड का प्रोमो आ रहा था। अरे वो लोग नेगेटिव इमेज दिखा रहे हैं तो दिखाने दो ना, अंदर से मैं क्या हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, शाम को ये प्रोग्राम बदलना चाहिए, समझे? रोसले दर्शकों, सही रास्ते पे चलने वाला बेटा नाम के इस प्रोग्राम में आप दर्शकों का स्वागत है, सुस्वागत है। हमारे साथ कौन है क्या आप जानते हैं? कर्नाटक स्टेट में सेंसेशन क्रिएट करने वाले हॉट सीट पर बैठे हुए कड़क बॉडी वाले हैंडसम गाय मिस्टर युवा। मिस्टर युवा, हर तरफ है आप ही की हवा। एक ड्रग माफिया डॉन को अपने जान पर खेलकर पुलिस के हवाले किया है, इतनी हिम्मत दिखाने का जज्बा आपके अंदर कैसे आया? Once upon a time when I was in Vatara, एक बंदा था जो अपनी बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन वो डेली क्वार्टर पीकर सबको टॉर्चर करता था। ये मैटर उनकी डॉटर ने आकर मुझे बताया तो मेरा गुस्सा राइज हो गया, और वहीं पड़ा हीटर मैंने उठाकर उसे खींच के मार दिया। उस दिन से उसने क्वार्टर पीना ही छोड़ दिया, तभी से मुझे पता चला कि मेरी क्षमता क्या है। माइंड ब्लोइंग। मिस्टर युवा, आपकी क्षमता के बारे में एक शख्स है जो कुछ बताना चाहते हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। चलो देखते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी नाक में आज भी रॉड है। रियली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव, बट वेरी डिसेंट एंड वेरी इनोसेंट बॉय। यस,
absolutely right. I'm big fan of you, Mr. Yuva. Okay. बेचारे हमारे पीटी मास्टर, उनकी नाक में रॉड आपकी वजह से लगा, ये हमें पता चल गया। What a helping nature you have, sir. ये सब बताने वाली बात नहीं है। मेरी मम्मी अक्सर कहती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। What a mother, what a son. मैं कहता हूँ दुनिया का हर बेटा आपके जैसा होना चाहिए। आप एक हाथ से जो करते हैं आपके दूसरे हाथ को पता न चले, लेकिन हमारे कैमरे ने सब देख लिया। हा? मिस्टर युवा, आपने अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं उसे हमने अपने कैमरे से छुपकर शूट कर लिया है। Is it? I swear. What are you saying? You see the video. ए बुढ़ी, कहाँ जा रही है? चलो यहाँ से, bloody fool. तुम्हें अच्छी संस्कारी बहू मिले बेटा। Thank you दादी माँ, thank you. अरे ये सब किस लिए? Please please, आप चुप रहिए, हमें ऑडियंस को दिखाने दीजिए। Please युवा, please. ये क्या हो गया? मेरे होते हुए एक डेड बॉडी का ये हाल? अरे मैं भी आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे आप तो पब्लिक हीरो हैं मिस्टर युवा। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। आप देखा नहीं, क्या पब्लिक ही देखेगी, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या चीज है। ये लो तुम्हारा पर डे। ओनली दिस मच, बाकी का क्या? ए, शूटिंग में तुझे कन्विंस देते हैं, मैंने तो पूरा पेमेंट दिया। ज्यादा मच मच करेगी तो वो भी छीन लूंगा। चबक तेरे मुंह में कीड़े पड़े। और भाई मेरा क्या? तेरा कितना? सिर्फ 500। पकड़ भाई, आपस में बांट ले। मिस्टर यू आर अ रियली यूथ आइकन, यूथ आइकन। अच्छा, आपके अंदर इतने सारे अच्छे गुण होने के बाद भी आप सिंगल हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम जैसे सोशल वर्कर्स को आखिर लड़की कौन देगा बताओ? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। तमिलनाडु के लोगों को पीने का पानी कर्नाटक देता है। आंध्रा के लोगों को फिल्म रिलीज करने के लिए हम थिएटर देते हैं। केरला वालों को जूस सेंटर खोलने के लिए हम लोग जगह देते हैं। नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन कंपनी जॉब देती है। ईरानी लोगों को रहने के लिए हम लोग किराए पर घर देते हैं। तो क्या मिलजुल कर रहने वाले हमारे देशवासी आपको लड़की नहीं दे सकते? कौन देगा आपकी लड़की, कौन देगा लड़की, कौन देगा लड़की? मैं अपनी पोती दूंगी। वेरी गुड सिलेक्शन। सोच रहे थे ऐसा हीरा ढूंढ निकालेगी। मैंने पेन ड्राइव लगाई थी, ये किसी को नहीं पता चला। जैसे तुम्हें सिखाती हो तुम वैसे ही बोलना। हाँ अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह की प्रॉपर्टी मिले तो छोड़ना मत, पूरा इलाका अपना ही है। क्या बात है, माँ बेटी मिलकर मेरे शिष्य को कृष्णा क्यों बना रही हैं? आज स्कूल में फैंसी ड्रेस का इवेंट है। ये लो, कृष्णा का गेटअप देकर हाथ में बांसुरी देने की बजाय रावण या हिरण्यकश्यपु का गेटअप देकर हाथ में गदा देकर मर्द की तरह भेजते तो कितना अच्छा लगता है ना बेटा। घर में एक ही रावण बहुत है, दूसरा नहीं चाहिए। नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे। अर्जुना, तुम अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अर्जुना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस साल के कृष्ण कंपटीशन में कौन फर्स्ट आया है ये सब जानते हैं। द विनर इज लोचन। लोचन,
Where are you? मम्मी वो कहा है मैं देख कर आती हूँ। Second prize goes to Pune. लोचन लोचन कहाँ है? लोचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम गया होगा। वो टीचर भी ढूंढ रही थी उसे। मम्मी लोचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी तू एक काम कर, तू हर जगह ढूंढ, मैं जाकर माइक पर अनाउंस करा। हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी। आ जा। लोचन वेयर आर यू, प्लीज कम ऑन द डायस, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, कम फास्ट। लोचन साल का एक छोटा बच्चा है, कृष्णा के कॉस्ट्यूम में है वो। सारे पुलिस स्टेशन को मैसेज कर दो। कंप्लेंट हम कर चुके हैं। हाँ मैडम। दादी, माँ, लोचन, 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 बाबू, बताना तू किसके साथ चला गया था? मेरा अच्छा बेटा, ये लास्ट है। हाँ बच्चे को किसने लाकर यहाँ छोड़ा, तुमने देखा क्या पूर्वी? नहीं, किसी ने गाड़ी में लाकर यहाँ छोड़ दिया। राजा, तुम्हें जो ले गया था अगर उससे मैं तुम्हें मिलवाऊं तो तुम उसे पहचान लोगे? यहाँ आओ लोचन, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजूंगी। और कौन लेकर गया होगा? जरूर तेरा कोई पुराना दुश्मन है जो तुझसे अपना बदला लेना चाहता होगा। मुझे वही जानना है वो कौन था जो मेरे परिवार पर हाथ डालेगा, उसके हाथ पैर। भगवान के लिए तेरी ये मारपीट इस घर के बाहर ही रखा कर, तेरी इस हरकतों से परेशान हो गई हूँ, अब माफ कर दे हमें। उधर देखो युवा, तुम्हारी माँ हमेशा तभी पर क्यों बैठी रहती है? अरे अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे। अरे यारे, अरे अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे अरे मुझे माँ जी, माँ जी प्रसाद खाएंगे आप? ए, तुझे इसके सिवा और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर इसके साथ क्यों भटकता रहता है? डरा धमका कर चेला बनाया है? ऐसी बात नहीं है। ये बता, वो अपनी कमाई से तुझे कुछ देता है कि नहीं? देता है ना माँ जी, पता है मैंने भी एक कार बुक किया है। लगता है बेटे को गुस्सा अपनी माँ से ही मिला है। ये देखो, नाचोगे बेटा, नाचो नाचो। आंटी, अगर आप हाँ कह दें तो मैं अपने मम्मी पापा से कहकर एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर देती हूँ। तुझे क्या हो गया है बेटा? लगता है उसने जादू टोना किया है तुझ पर। इस जनरेशन की लड़कियाँ कितने प्रैक्टिकल होकर सोच समझ कर डिसीजन लेती है, लेकिन तू उस नालायक की संगत में पड़ी है। उसने तुझे क्या पिलाया है? हाँ, मेरे पास दो चार घर है, मेरे पास छह बिल्डिंग्स है, 20 एकड़ जमीन है, ऐसा ही कुछ बताया होगा? हा? नहीं आंटी, अपना बस एक ही घर है, उस पर भी लोन है, 3-4 प्लॉट है पर उस पर भी केस चल रहा है, 5 एकड़ जमीन है वो भी लीज में डूबी हुई है, ये सब बताया है। देखा तुमने मम्मी, सच बोलकर प्यार जीत रहा है। अरे वो तो अलग ट्रैक है, अपना दुख तकलीफ बताकर, लड़कियों की सिंपैथी पाकर प्यार में लूटने वाले लोग एक नहीं हजार मिलेंगे। अरे ऐसे केसेस कोर्ट में बहुत आते हैं। आपका लड़का उस कैटेगरी का नहीं है। आप कैसी माँ है, अपनी ही बेटी के बारे में नेगेटिव बोल रही हैं? आप उसकी माँ है इसलिए सब सुन के ले रही हूँ। मैं एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ और आप ब्रेकअप की बात कर रही हैं।
आप कुछ भी कह लो, मैं उसी से शादी करूंगी। आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। देखा पूर्वा, इसको तो पूरे अपने जाल में फंसा लिया है। पुराना खिलाड़ी है ना भाई, पर इसे अकल नहीं है क्या? तू यहाँ से निकल, मैं बस चढ़ावा चढ़ा कर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ। ए, बहुत लेट हो गया, कहाँ है तुम्हारी माँ? अब तक तो मम्मी को आ जाना चाहिए था, पर तू यहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। ब्रूस ली, दरिंग का ख्याल रख। कौन था, किसने मुंह दबाकर घसीट कर लाया और यहाँ अंदर डाल दिया मुझे। ठीक है, बाद में बोलता हूँ। अंदर आ जाओ, सर ने बुलाया। नमस्ते साहब। आइए जनाब, बैठिए। कैसे आना हुआ? सर, कोई मेरी फैमिली को टारगेट कर रहा है सर, पुलिस सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। सिक्योरिटी देने के लिए तुम कोई वीआईपी हो क्या? वीआईपी से बढ़कर हूँ मैं, पब्लिक। वीआईपी होते हैं पब्लिक की सर्विस करने के लिए। मुझे पता नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो कितने लोगों का इंतजाम करना है? स्टेफ को भेजू क्या? सर देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी फैमिली को खतरा है, ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका है। पुलिस की ऐसी बिहेवियर की वजह से पब्लिक भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आती। सुभान को लगाम दे, तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं। परसों टीवी में देखा तेरी असलियत क्या है, तेरी माँ की बातें सुनी। गली का एक गुंडा है तू, और तू हमें बिहेवियर सिखाएगा? तेरे जैसे गुंडे के लिए नहीं बैठे हम लोग। चल निकल यहाँ से, आउट, गेट आउट। ब्लडी फेलो। करेक्ट कहा सर आपने, मुझे क्या जरूरत है सर सिक्योरिटी की? किसी की धमकी देने पर या ब्लैकमेलिंग करने पर पुलिस की मदद लेने वाला बंदा नहीं हूं मैं। फैमिली मैटर समझ के फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा डर गया और आपके पास आ गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई सर। सर, आप सबको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसी रूम में आराम से रहिए। अपनी फैमिली की सिक्योरिटी मैं खुद देख लूंगा। हेलो निशा, हेलो हेलो निशा, हेलो। पप्पू घर जिंदा लौटा, तेरी माँ सेफ मिली, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर तू मेरी बात नहीं माना तो तेरी गर्लफ्रेंड को उड़ा दूंगा। ए,
मुझे क्या करना होगा बता? हॉस्पिटल से हमारे बॉस को तुझे बाहर लाना होगा। उसके बाद कहाँ जाना है वो बाद में गाइड करूँगा। तेरा काम इजीली हो जाए इसलिए तेरी गर्लफ्रेंड के बैग में गन रखी है। सुन, ज्यादा दिमाग मत चलाना, हमारे आदमी तुझ पर नजर रखे हुए हैं। आज ही काम होना चाहिए, हमारे बॉस को सेफली बाहर निकाल, वरना अंजाम तू जानता है। वैसे एक बात बता दूं भाई, तेरी गर्लफ्रेंड हॉट है। लगता है कोई इमरजेंसी केस है, चेक करने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो मत, आराम से करो, आओ चलो चलो। क्या हुआ सर? इस हॉस्पिटल में एक ड्रग माफिया क्रिमिनल का ट्रीटमेंट चल रहा है। किस वार्ड में रखा है उसे? सर, थर्ड फ्लोर में सर, आईसीयू वार्ड में रखा गया है। अंदर कोई नहीं जा सकता, पुलिस का बंदोबस्त है। वैसे आप कौन है सर? मीडिया। क्या हुआ है? हमारे गांव के लड़के की तबीयत बहुत खराब थी तो उसे आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर ने कहा था 2 दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि उस लड़के की डेथ हो गई है। जब तक हॉस्पिटल का बिल नहीं चुकाएंगे वो हमें बॉडी नहीं देंगे। उल्टे सुलटे चेकअप करके लंबी चौड़ी बिल बनाए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे गाँव के एक लड़के के साथ ना इंसाफी हुई है और तुम लोग चुपचाप खड़े हो? मुँह की बोली इन लोगों को समझ में नहीं आती। क्या कर रहे हो? सर नीचे बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, आप जल्दी आइए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। क्या दंगा फसाद हो गया है? आईसी में जो ड्यूटी पर है वो अलर्ट रहे, बी केयरफुल। ए हैंड्स अप, कोई होशियारी मत करना। अलर्ट, वो बच कर ना निकल पाए।
बाय। पहले उन लोग को बोल के मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़े। ए, 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 इसकी गर्लफ्रेंड को उठाया है, दे दे इसे वापस। ए, उसे छोड़ने के लिए बोल। ए, 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 छोड़ दे उसे, छोड़ दे, छोड़ दे। होश में है ये, होश में है साला। क्या बोलते हैं तेरे स्टंट्स को, मार्शल आर्ट्स? लिफ्ट में मुझे ऐसा मारा, दो दिन तक मैं फ्लैट अनकॉन्शियस। मार्शल आर्ट्स कुछ नहीं है, मुझ पे हाथ उठाता है। भाई तुम्हारे गिरेबान में हाथ क्या डाला, कर्नाटक के हर एक न्यूज चैनल पे छा गया है, डॉन बनना चाहता है। क्यों बच्चे, ए, तू डॉन बनने की कोशिश कर रहा है? डॉन बनना है तुझे, हाँ? गली गली में गोटी खेलने वाला, कौड़ी कौड़ी के लिए चिन्नी चोरी करने वाला अगर डॉन बना तो मुझे तो बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, हाँ? मेरे जैसा बनना इसे। क्या भाई बात करते हो, उड़ा दो। चल पीछे। ये साला मुझे हॉस्पिटल से मुर्गी की तरह उठा कर लेकर आया, मुर्गी की तरह। इसे इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। मुझे छूने के जुर्म में आखिरी दम तक पुलिस से भागते तड़पते तड़पते मरना होगा इसे। ए, तू जरूर डॉन बनेगा, डॉन बनाऊंगा तुझे। आज से पूरे कर्नाटक वालों के लिए तू ही है ड्रग माफिया डॉन। मशहूर कर दूंगा तुझे, डॉन बनेगा। चलो। ड्रग माफिया डॉन एस्केप। बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो ड्रग माफिया क्रिमिनल बॉस पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। उसे वहाँ से फरार करवाने वाला एक मामूली सा गली का गुंडा युवा है। युवा ने उसे कैसे फरार किया ये आप अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। हमें हमारे संवाददाताओं से ये पता चला है कि युवा ड्रग माफिया डॉन का सबसे करीबी पार्टनर है। अपने कॉलेज के जमाने में सबका लीडर बनकर ये कॉलेज में ड्रग सप्लाई करवाता था। वहीं से उसने तरक्की की और आज बहुत बड़ा ड्रग माफिया डॉन बनकर उभरा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने युवा की तलाश पूरे राज्य में शुरू कर दी है। The man who helped bosses escape is Kathrigupe Rowdy Sheeter, Yuva. This escape act was caught on the CCTV camera of the hospital. According to our sources, Yuva was a don of drug mafia in Karnataka. हमारे न्यूज चैनल के जरिए आप लोग देख रहे हैं ड्रग माफिया डॉन युवा का घर। उसके घर के सामने बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई है। सभी लोग उसकी माँ से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए हम भी उसकी माँ से कुछ सवाल पूछते हैं।
बताइए मैडम, आपका बेटा ड्रग माफिया में कब से इन्वॉल्व है? Many students are addicted to drugs because of your son. What's your opinion, ma'am? आप न्यायालय में काम करती है, आपका बेटा मुजरिम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो सिर्फ ड्रग माफिया है या लोगों से हफ्ता भी वसूल करता है? और कौन कौन से गलत धंधे हैं उसके? इस बारे में आप कुछ जानती हैं या जानकर भी चुप हैं? जवाब दीजिए मैडम। आप खामोश नहीं रह सकती। जवाब दीजिए। मैं जवाब चाहिए मैडम। एनकाउंटर करवा दो। एक देशद्रोही को जीने का कोई हक नहीं। सरकार और पुलिस से मेरी ये दरख्वास्त है, उसका एनकाउंटर कर दो। मम्मी, क्या कहा? एनकाउंटर कर दे तेरे लड़के को? अरे तुझे अपने देश पर इतना प्यार अचानक कहां से आ गया? क्यों नाटक कर रही है तू? तुझे तो पहले से पता था ना कि तेरा बेटा गुंडा है, तो आज तक खामोश क्यों रही? वैसे गुंडे को पहले ही जहर देकर मार देना चाहिए था तुझे। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मीडिया के सामने ये शान से कह रही है कि उसका एनकाउंटर कर दो, नाटक कर रही है ये। तू क्या समझेगी इस बूढ़े के दर्द को? मेरे इस कलेजे में ज्वालामुखी की तरह दर्द की आग भड़क रही है। मेरा इकलौता बेटा था, उसे बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से पाला था मैंने, इंजीनियर बनाया था। आखिर में उसने क्या किया पता है? नशे की लत का शिकार होकर सुसाइड कर लिया उसने। तेरे बेटे ने जिसको बचाया उसकी वजह से कितनों की जाने गई, और न जाने और कितने बच्चों की उसके ड्रग्स की वजह से जान जाएगी। मेरा तो एक ही सहारा था, वो चला गया। आज ये बूढ़ा तुमसे पूछ रहा है, उसको तूने क्यों बचाया, बताओ? मेरा बस चले तो ऐसे गुंडे को पैदा करके पाल पोस कर बड़ा करने वाली माओ को पहले इनकाउंटर करना चाहिए। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है क्या उसमें? किसी ने कॉफिन का ऑर्डर किया था? इधर मरने वाला कोई नहीं है, सब मारने वाले हैं। चल निकल। बड़ा आया। मजाक मत कर, बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आया तू? कर्नाटक से। ए, कोई गोवा से कर्नाटका में कॉफिन ऑर्डर क्यों करेगा भाई? लगता है दिमाग खराब है इसका। गलत कर रहा है भाई, दिमाग भी सही है और जिस जगह पर खड़ा हूँ वो जगह भी परफेक्ट है। ऑर्डर देने वाले का नाम मैं भूल रहा हूँ, आपको नाम भूल गया यार। ए, तेरी हाइट कितनी है? यार मेरी हाइट पूछता है? नाम क्या है तेरा? रफीक। तू नहीं है। मैं भी देखता हूं तू कैसे यहां से निकलता है। आ, 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 आ,
हमारे पैर पर गिरा था वो जिंदा हम तक कैसे पहुंच गया यही सोच रहा है। हार्ड वर्क प्यारे, तेरे भाई ने एकदम सही कहा था, उस कमीने ने मुझे क्या से क्या बना दिया। उस दिन तुम लोगों का टाइम अच्छा था, वही मुझे खत्म कर देते तो मैटर क्लोज हो जाता। आज मेरा टाइम चल रहा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोल क्या। कितने लोग आए थे यहाँ? सिर्फ एक आदमी था। वो सिर्फ एक आदमी था और तुम लोग कमाल है। कैसे आया वो? कॉफिन लेके उधर से आया। फिर? पहले मैंने अटैक किया बॉस। फिर? इसे मारते ही इमीडिएटली मैंने अटैक किया बॉस। फिर? मैंने गन निकाला फिर भी। मैं इधर से आया। तू इधर से आया, वो उधर से आया, अटैक किया और सबको मारकर मेरे भाई को उठा कर लेकर गया, यही ना? यही ना? वो थोड़ा पागल है बॉस। अच्छा, खाली हाथ आकर तुम सबका हाथ पैर तोड़कर भाई को उठा कर लेकर गया, उसे तू पागल कह रहा है? पागल नहीं, योद्धा, योद्धा है वो। हो, हो, हो। Come, I need to talk to you. Don't be scared. Sit down. Good, good. You must have heard him. What did he say to my brother? I don't know. Huh? He spoke some foreign language. He told him about some hard work. Oh, how many years are you in this business? 2 years. Hmm. 2 years. Good. How many languages do you know, baby? I speak 4 languages. Mm-hmm. English, Korean, Chinese and French. एक दिन में 5 फिरंगियों की मसाज तो करती होगी, हाँ? और कह रही है 4 से ज्यादा लैंग्वेज नहीं जानती। You have to learn all the languages. You have internet on your mobile, right? You first go to Play Store and download Hindi app. First learn Hindi language, then show your face. अगर मेरा भाई नहीं मिला तो सबको उड़ा दूंगा। Boss, I'm not getting 3G network, boss. अरे तेरी तो 4G के जमाने में 3G network ढूंढ रही है। पहले मेरे भाई को ढूंढ, चल निकल। Hey, there is no water. What is he doing? Hey, हमें किडनैप करके यहाँ लाकर तू नारियल पानी पी रहा है, क्या चाहिए तुझे? तुम्हारा भाई चाहिए। तुम्हारे भाई के साथ आंख मिचोली खेलने के लिए ही तुम लोगों को मैं यहाँ लाया हूँ। घुटने तक ही गाड़ के रखा हुआ आप कहो तो इनको पूरा का पूरा रेत में ही गाड़ दूँ क्या भाई? ये सब मिस इंडिया मॉडल्स हैं। पहले इनके गले में मौत का हार डाल, फिर डेमो देखेंगे। ओके भाई। ये डेमो के लिए, ये गोरिल्ला के लिए, ये दड़ियल के लिए, ये गोरिया के लिए। ए, ये क्या है? इट लुक्स लाइक बिग बॉस माइक। ए टकले, ज्यादा मत बोल वरना चिथड़े उड़ जाएंगे। व्हाट? लुक दैट साइड। रेडी भाई? योर अटेंशन प्लीज माई डियर ड्रग डीलर्स, आपके बांधे हुए हाथ पैर खोल दिए जाएंगे। फ्री होते ही फरार होने की कोशिश मत करना वरना लाइफ से भी फ्री हो सकते।
Not understand? No. Look there. Super boy! Injury pishbara hai mushtari aamun aastas. Boss, what about coke? Tomorrow we are going to arrange rail party. We need coke. My brother is missing, my partners are missing. Mujhe thoda waqt chahiye. Don't give any reasons. You have to fulfill our losses. Hukum karte hai, hazir karne ke liye main superstar Rajnikant nahi hu. Nuksan ki baat karta hai sala. Should I pay your losses? Huh? Mera jo nuksan hua use kaun bharega? बॉस आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। खोल इसे। बॉस लैपटॉप है। लैपटॉप कनेक्ट कर। ओके बॉस। डैनी, ए, ए, कौन है तू सामने आ? Hey! Hey! How dare you touch my brother? सिर्फ टचिंग ही नहीं, roping. Hey! उड़ा दूंगा तुझे. Hey, चिल्ला मत. जरा आराम से बात कर. तू नॉर्मल बात करता है तो भी डॉल्बी का इफेक्ट लगता है. चिल्लाएगा तो स्पीकर फट जाएगा. फिर जिंदगी भर गूंगा बनकर रहना पड़ेगा. Hey, hey, hey! लगता है मुझे टच करने का अंजाम तू भूल चुका है. तुझे टच करने वालों का क्या होता है ये तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन मुझे टच करने वालों का क्या होता है ये तू शायद अब तक नहीं जानता. स्नूकर और गोल्फ खेलने वालों को टच करे तो इजीली एस्केप किया जा सकता है. गोटी भौरा या गिल्ली डंडा खेल के बड़े हुए मुझ जैसे लोकल लड़के को कोई टच करेगा तो कोई छोड़ेगा क्या? कमजोर नर्व जहाँ होती है वही वार करता हूँ. तुम सबको किडनैप करके बड़ा शेर बन रहा है. औरतों को या बच्चों को किडनैप करके आंख मिचौली का खेल खेले तो उसे गेम नहीं कहते. लाइव टेलीकास्ट करके तेरे भाई के साथ ओपनली गेम खेल रहा हूँ, इसीलिए अपन को बोलते हैं शेर. गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तू बैठ के एंजॉय कर. गेम खेलेगा? कौन सा गेम? चोट लगी. ए ब्रूस ली, रूल्स समझा कर गेम स्टार्ट कर. एंजॉय. हाय बडेज, इस बॉल को राम भीम सोम कहकर ऊपर उछालूंगा. ये बॉल जैसे ही किसी के हाथ में लगी वहीं से गेम स्टार्ट. तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त होगा. इधर उधर देखे बिना ये बॉल अपने साथी पे दे मारोगे. आखिर में मार खाकर भी जो स्ट्रांगली खड़ा रहेगा उसे रिहा किया जाएगा. बाकी के 4 लोगों को डेमो के जैसा उड़ाकर जला दिया जाएगा. You got it? I don't understand. What are you saying? Don't worry. बस एक दो मार खाने तक ही, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा. What? Okay, तेरा भाई वेट कर रहा है. Let's start the game. राम भीम सोम. सीजन बॉल देकर हमें मारने के लिए कह रहा है. प्लास्टिक बॉल से बचपन में खेलते थे. अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो उड़ा दिए जाओगे. Your time starts now. अरे ये तो सीजन बॉल है. No way. Hey man, what's happening? Why are you people going back? I don't understand. Hey, what's happening here? Aha! Wow, super shot! My stomach! Gori,
गया, पूरा ब्लास्ट हो गया। लगता है गोलियों के जर में खून सवार हो गया। हाँ सही कहा। Give me the ball! What is hey. Ball? Hey! When I get the ball, I score! Boss, ये जगह मुझे पता है कहाँ है? कमीने, तू अभी तक मजे ले रहा था? जल्दी भेज, भेज हमारे लड़कों को! सुन, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे डैनी को कुछ नहीं होना चाहिए। इस शेर की औलाद को वहीं मार डालो। चलो जाओ, देख क्या रहे हो? Hey, move, move! Hey, please! Hey, ball, please. Hey, सुनो, ये हमें आपस में लड़ा कर मारना चाहता है। एक दूसरे को आहिस्ते से मारो, ओके? भाई, some ground table meeting is going on. Hey, what are you discussing? चुप कर टकले। Bruce Lee, okay भाई। Stop the game. तुम सब बहुत strong हो, ये हम जान गए हैं। So game में थोड़ा change है। Wild card लेकर भाई entry कर रहे हैं। नैन कुली की तेरी तो बॉस, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। ए, ए, करेक्ट लोकेशन पर पहुँचा है ना तू? हाँ बॉस, सही जगह पे हूँ, यहाँ कोई नहीं है। उधर ही है, ठीक से देख। नहीं बॉस, मेरे लड़के लोगों ने सब जगह देख लिया, यहाँ कोई नहीं है बॉस। लगता है यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाया बॉस। तुम्हारा भाई वेट कर रहा है, लेट्स स्टार्ट द गेम। राम भीम सोम। Oh, my God.
बैठिए मत। देशद्रोही समझते थे वो देशभक्त निकला। उसने पूरे ड्रग माफिया गैंग को खत्म किया। उसकी इस बहादुरी को देखकर पूरा देश उससे मिलने के लिए बेंगलुरु जेल की तरफ उमड़ पड़ा है। उसकी माँ यहाँ पे आई है। आइए उसे कुछ सवाल पूछते हैं। माँ जी एक सवाल। भक्ति है उसे उसने अकेले ही जगाया और सबका दिल जीत लिया। कर्नाटक के कोने कोने से उसकी आजादी की आवाज उठ रही है। इनकलाब जिंदाबाद। ये सब क्या है? सीएम मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। किसी भी चैनल को ऑन करके देखो, उसी का न्यूज है। ये सारे यूथ मिलकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? बताता हूँ सर, आरोपी युवा ने सोशल नेटवर्क पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है। उसे देखकर पूरे यंगस्टर जज्बाती हो गए हैं सर। स्टेट के कोने कोने से सैकड़ों लड़के यहाँ आ रहे हैं। सही कहूँ तो वो यूथ आइकॉन बन गया है सर। यूथ आइकॉन? ऐसा कौन सा वीडियो है? यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई? नीचे उतर बताता हूँ। इन देशद्रोहियों को हमने पकड़ कर दिया है, इसका क्या सबूत है? उसके लिए हमें एक वीडियो बनाना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग तो चालू है, कोई वॉइस ओवर देना है तो वो भी दे। ए, पागल, ये सब क्या है? ये क्या कर रहा है तू? मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी जानता है, और तूने मेरा क्या हाल बना दिया? हाँ, ये तू वीडियो क्यों बना रहा है? हाँ, इसे पुलिस को देगा तो क्या कर लेंगे? ए, तूने हॉस्पिटल से तो निकाल दिया, लेकिन बेंगलुरु से गोवा सेफली पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। हम जैसों को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर है तो उसके हाथ के नीचे 100 ऐसे भी होते हैं जो हमें सेफ करते हैं, क्योंकि वो है करप्ट ऑफिसर। ये तो सिर्फ पुलिस लेवल है, उसके ऊपर एक और लेवल है, पॉलिटिशियंस लेवल। सर, मुझे जेल में रहने दीजिए, कहने पर भी मुझे जेल में नहीं रहने देंगे। जेल में भी मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलती है। इंडिया में ड्रग्स की कितनी डिमांड है इसका अंदाजा है तुझे? मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया के प्रोविजन स्टोर्स में भी ड्रग्स बिकनी चाहिए। दैट्स माय ड्रीम, दैट्स माय विजन। तुझे कितना करोड़ चाहिए बोल, मिल जाएगा। नहीं, पूरी कर्नाटक दे रहा हूँ, डीलरशिप तेरी है, एंजॉय कर। या फिर ये सब छोड़कर पब्लिक का हीरो बनना चाहता है क्या?
इंडिया में नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद लगता है तूने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी है। टॉयलेट के कमोड पर बैठकर ट्विटर और फेसबुक पर कम ऑन इंडिया लिख देने से ये इंडिया बदल जाएगा ये सोचने वाले सब बेवकूफ हैं। हाँ। अमेरिका का प्रेसिडेंट आए या फिर चाइना का, हर कोई ताजमहल के आगे फोटो खिंचाकर यहाँ से चलते बनेंगे। नो वन कैन चेंज इंडिया। तूने बिल्कुल करेक्ट बोला। कोई भी आने दो जाने दो, उससे हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, ऐसा हमने पहले से ही सोच लिया है। हमारे यहाँ के रोड सही नहीं है इसलिए हम इंपोर्टेड गाड़ी लेते हैं। डेली करंट कट हो जाता है इसलिए यूपीएस लगाते हैं। खुले रोड पर औरों की बेटियों के साथ रेप होता है इसलिए हम अपने बच्चों को कराटे सिखाते हैं ताकि अपनी बच्चियाँ सेफ रहे। हर बात के लिए हमने पहले से ही अल्टरनेटिव ढूंढ कर रखा है। रोड क्यों सही नहीं है, करंट क्यों कट होता है, रेप करने वालों को सजा मिली या नहीं, ये हम में से कोई भी नहीं सोचता। उस काम के लिए टीवी चैनल्स वाले हैं ना, यही सोचकर हम चुप रहते हैं। उसके बाद टीवी चलाने वाला डिसीजन देखकर बहुत बड़े क्रांतिकारी की तरह फेसबुक में स्टेटस डालकर कमेंट लाइक करते हुए साइलेंट हो जाता है। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हमें हर काम के लिए एक लीडर चाहिए। कोई एक उठकर आगे जाए यही सोचकर वेट करते रहते हैं। हम जैसे यूथ को मोटिवेट करने के लिए 70 साल के अन्ना हजारे को आना पड़ता है तब हम जागते हैं, वो भी टेम्पररी। टीवी में T20 या IPL आ जाए तो फिर ठंडे हो जाते हैं। चाहे कोई जागे या फिर सोता रहे, लेकिन मैं तो जाग गया, परमानेंटली जाग गया। अरे मेरी माँ मुझे दिन रात देशभक्ति समझाती रही पर मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं जाता था और तूने कितना सिंपली मुझे समझा दिया। मैं यहाँ आया हूँ मेरी माँ की खातिर, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ की नजर में हीरो बनना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपनी माँ की नजर में चाहे विलन ही रहूं, लेकिन अपनी धरती माँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ए पागल, तू क्या करने की सोच रहा है? मैं हमेशा कहता रहा, मारना है तो डायनासोर को मारो, और तुम लोग सच में डायनासोर हो। तू क्या करने जा रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? गोली मत मार। मुझे मत मारना। इसके बाद इंडिया में कुछ चेंज होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर चेंज होगी, प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। मुझे मत मारना। मारना है तो डायनासोर को मारो, और तुम लोग सच में डायनासोर हो। क्या करने जा रहा है? पागल, रुक जा। इसके साथ यही होना चाहिए। जानते हो हम सब में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बहुत बढ़िया। इसके बाद इंडिया में कुछ चेंज होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर चेंज होगी। प्रोविजन स्टोर में ड्रग्स नहीं बिकेगा। मुझे मत मारना। क्या दिलेर है ये बंदा, सुपर्ब। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। क्या बात है दुर्गा माँ, मेरे लिए खाना लेकर आई हो क्या? अरे इसकी क्या जरूरत थी, जेल में भी अच्छा खाना बनता है। स्कूल के बच्चों को खाने के लिए मिलने वाले फंड से ज्यादा जेल के कैदियों के लिए फंड आता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ सुपर। सच में जेल में इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी लोग जेल में आने से पता नहीं क्यों डरते हैं। तुम घर जाने के बाद इस बात पर PIL फाइल करना। ठीक है, कर दूंगी। पहले तू खाना तो खा ले, तेरा मन पसंद
गाजर का हलवा बनाया है, अपने हाथों से खिलाओ। जब मैं बाहर था तब ना जाने कितने लोगों को हलवा खिला चुका हूँ, लेकिन आज अंदर बैठकर मैं खुद हलवा खा रहा हूँ। ठीक है, खिलाओ। आहा, सुपर्ब, थोड़ा और खिलाओ ना माँ। अब मैं चलती हूँ, thank you.